हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल के टू इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका किशन गौर। तो किन किन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो सीबीएसई बोर्ड है इस साल वो इजी होने वाला है, ठीक है, और जिनको लग रहा है इजी होने वाला है वो भी अपना कमेंट करें और जिनको लग रहा है कि टफ होने वाला है वो भी अपना कमेंट करें। बाकी मैं एंड बताने वाला हूं कि टफ हो किसके लिए टफ है और किसके लिए ईजी है, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीबीएसई में क्या चेंजेस आए हैं, उनके एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो फटाफट कोई देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग सीबीएसई और होल वट टू एक्सपेक्ट इन न्यू एग्जाम फॉर्मेट फॉर क्लासेज 11th एंड 12th इन 2024-2025, ठीक है। तो सीबीएसई इस बार कहता है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं। The aim of Central Board of Secondary Education is to now work on toward and focus on child's skill and ability to think critically, analyze information and effectively solve problems. The curriculum and teaching pedagogy would be driven by real comprehension and understanding and emphasis more on how children learn. This change in approach will bring about a transformation in providing a holistic learning experience to children, enabling them to be better prepared for higher education. So basically CBSE kya ja raha hai, CBSE ka jo aim hai, theek hai, wo ye keh raha hai ki is saal jo hum exam pattern mein jo changes kar rahe hai na, wo kis liye kar rahe hai, taki jo bacche hain उनकी जो सोचने की और जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी स्किल्स है, वो थोड़ी डेवलप हो पाए ताकि वो और बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और वो हाइगर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो इसीलिए जो सीबीएसई है वो आपसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाला है। अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन का मतलब ये होता है जहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। पहले आप क्या करते थे, किताब पकड़ा, रट्टा मारा, चले गए पेपर देने, लेकिन नहीं, अब क्या नाम है, पढ़ना है किताब, प्रॉपर समझना है, बिल्कुल ऐसे कहानी की तरह समझ लेना है। फिर उसके बाद जब पेपर देने जाओगे ना, तो उसको समझ के जो आपके थॉट हैं, ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, जहां पे आपको अपनी बुद्धि का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो फटाफट देरी ना करते हो और भी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखो, अगर हम बात करें 2023 से 2024 सेशन की, 2023 की 24 सेशन की बात करें, तब आपसे जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, वो पूछे जाते थे 40%, ठीक है, 40% पूछे जाते थे। अब अकेडमिक 2024-2025 की बात करें तो आपसे 50% यहाँ पूछ जा रही है, यानी कि जो इनकी वो है लेवल, जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, 50% पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके। और वो आपसे एमसीक्यू बेस में पूछते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, एमसीक्यू बेस में पूछते थे, ठीक है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ता था। ये नहीं कि पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया फिर आप क्या करते थे कि उसकी कहानी बना देते, अब नहीं, अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, करेक्ट आंसर देना डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, वो 20% पूछे जाते थे, सेम इस बार ही 20% ही पूछेंगे। लेकिन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन होते, यानी कि जो 2 नंबर के होते थे, जो 5 नंबर के होते थे, वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया। पहले आपसे 40% पूछे जाते थे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, अब यहाँ पे 30% पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं आपसे, जहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि कहानी तो आप लिख नहीं सकते कि नंबर मिल जाएंगे, आंसर पूछा डायरेक्ट, सॉरी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि किन किन बच्चों के लिए जो ये एग्ज़ाम है, ठीक है, इस साल का वो ईजी होने वाला है। तो जिन बच्चों के जो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, जिन्हें केस स्टडी सॉल्व करना अच्छा लगता है और जो चीज़ों को कहानी की तरह समझ लेते हैं, यानी अगर उन्हें कोई बुक पकड़ा दिया ना और उन्हें चैप्टर पढ़ा और उन्हें कहानी की तरह समझ लिया, तो उनके लिए भाई जो एग्ज़ाम है ये बहुत इजी होने वाला है। लेकिन जिन बच्चों को केस स्टडी सॉल्व करना नहीं पसंद, ठीक है, जिनके सारे कंसेप्ट नहीं क्लियर और वो नहीं समझ पाते चीज़ों को, तो उनके लिए जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो अभी से लग जाओ अपनी पढ़ाई में और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।